हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्लास 10th साइंस लेसन नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। एंड इट कांट बी रिवर्स बाय एनी फिजिकल मेथड। और हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते कोई भी फिजिकल मेथड से, यानी कि जो न्यू सब्सटेंस बना है हमारा, हम उसको वापस ओरिजिनल सब्सटेंस में नहीं लेकर आ सकते, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसको हम वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते कोई भी फिजिकल मेथड को यूज़ करके। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर 9th क्लास में आप ऑलरेडी फिजिकल मेथड पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्टिलेशन, इवोपरेशन। इन मेथड का यूज़ करके हम कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसको वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो क्या होती है केमिकल रिएक्शन? अ रिएक्शन इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, दैट इज केमिकल रिएक्शन। एंड इट कांट बी रिवर्स बाय एनी फिजिकल मेथड। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, अच्छा, आप कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है कि चेंज इन स्टेट, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे कि हमने कोई रिएक्टेंट लिए हैं लिक्विड स्टेट में, तो हो सकता है प्रोडक्ट हमारा लिक्विड स्टेट में ही रहे, हो सकता है हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाए, गैसियस स्टेट में बन जाए, हो सकता है हमारा प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या हो जाता है केमिकल रिएक्शंस में, क्या होता है, स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है। सेकंड है चेंज इन कलर, कलर का भी चेंज हो जाता है। कई बार हम कोई लिक्विड की रिएक्शन करवा रहे हैं, कोई ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, दोनों की रिएक्शन हो सकता है हमारे वाइट कलर का सॉल्यूशन बन जाए, पिंक कलर का सॉल्यूशन बन जाए, तो क्या होता है कलर चेंज भी हमको केमिकल रिएक्शन में देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट है चेंज इन टेम्परेचर। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें आपको टेम्परेचर का चेंज भी देखने को मिलेगा। कि कभी कभी क्या होता है कि कोई रिएक्शन होने पर एकदम से टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, कोई भी दो रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं तो टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो टेम्परेचर चेंज देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, कई बार आपको देखने को मिलता है कि जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें गैस का इवोल्यूशन देखने को मिलता है, गैस आपको रिमूव होते हुए दिखाई देगी, प्रोडक्ट में बनते हुए दिखाई देगी, ठीक है। एक पॉइंट और है, प्रेसिपिटेशन का भी फॉर्मेशन होता है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कई बार हम जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमको क्या दिखता है, प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। कोई दो लिक्विड की रिएक्शन करवाई और प्रोडक्ट में हमको क्या मिला, प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में मिल गया। ओके, केमिकल रिएक्शन हैपन्स इन आर डेली लाइफ। हम वो देखते हैं केमिकल रिएक्शन से कुछ एग्जांपल देखते हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती है। फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड। जब हम फूड को लेते हैं उसका डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन ऑफ फूड क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, सांस लेना, रेस्पिरेशन भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, ये भी क्या है, एक आपकी केमिकल रिएक्शन है जो हमारी डेली लाइफ में होती है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। अब इन सारी प्रोसेस को, इन सारी रिएक्शन को आप वापस से रिवर्ट नहीं कर सकते, वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। नाउ रिएक्टेंट्स, व्हाट आर रिएक्टेंट्स, हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो क्या करते हैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स। एंड प्रोडक्ट्स, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जो हमें एज अ प्रोडक्ट मिल रहे हो, जो केमिकल रिएक्शन में बन रहे हो, वो क्या है, हमारे प्रोडक्ट हैं। ओके, एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जब मैग्नीशियम रिबिन है, व्हेन मैग्नीशियम रिबिन बर्नड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। और जब ये रिएक्शन करके बना रहे हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है, ये क्या है, आपका मैग्नीशियम। और हमने इसकी रिएक्शन किससे करवाई, ऑक्सीजन यानी कि एयर से, तो क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO।
ठीक है, अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन टू है ना, तो यहाँ पर अगर हम टू लगा दें तो यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन मैग्नीशियम क्या हो गया हमारा, अनबैलेंस हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी टू लगा देंगे, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, और ये दोनों क्या है आपके रिएक्टेंट, और ये क्या है आपका प्रोडक्ट जो कि रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या मिलेंगे, रिएक्टेंट देखने को मिलेंगे, और राइट हैंड साइड पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन से, जिस इक्वेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो भी सब्सटेंस है उनके सिंबल्स का यूज़ करते हैं उनकी फिजिकल स्टेट के साथ। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। मैग्नीशियम रिबेन बर्नड इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने रिएक्शन भी देखी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो अब हमने उस वाली इक्वेशन को बैलेंस तो किया था, लेकिन उसमें हमने उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं की थी, तो वो भी हमको क्या करनी होती है, फिजिकल स्टेट को हमको मेंशन करना होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में। तो हम उसी इक्वेशन को दोबारा देखते हैं और उसमें इस बार उसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करते हैं। ओके, मैग्नीशियम जो रिबन होता है वो हमारा होता है सॉलिड स्टेट में, तो हम क्या करते हैं उसको एस से शो करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हमारी किस स्टेट में होती है, आप सबको पता है ऑक्सीजन हमारी गैसियस स्टेट में होती है, तो इस तरीके से हम इसको जी से शो करते हैं। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, हमारा सॉलिड स्टेट में एच के फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ इसको अगेन क्या लिखेंगे, एस। ये क्या है, इसकी फिजिकल स्टेट। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन के फिजिकल स्टेट को मेंशन करते हैं। अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, अब उसकी स्टेट को मेंशन करते हैं। जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ एस मेंशन कर देंगे, सॉलिड है इसलिए। HCl आपका क्या है, एक्वस है, वाटर में डिजोल्व होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका AQ। जब कोई भी सब्सटेंस को आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, इसके लिए हम स्टेट मेंशन करते हैं AQ। ओके, कैल्शियम क्लोराइड, जो कैल्शियम क्लोराइड बना है आपका, वो अगेन आपका किस स्टेट में बना है, एक्वस स्टेट में बना है, तो यहाँ पे अगेन आप क्या करेंगे, AQ लिखेंगे। ओके, जो वाटर है वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, L। और CO2 क्या है, आप सबको पता है कि CO2 क्या है, गैस है, तो इसलिए इसको G से मेंशन करते हैं। तो इस तरीके से हमारी कोई भी रिएक्शन है उसकी स्टेट को हम लोग लिखते हैं। ओके, तो समझ में आया आप लोगों को, ये सॉलिड का सिंबल क्या है, मेंशन करने के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, और एक्वस मीन्स AQ। तो एक्वस सॉल्यूशन है क्या, इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज़ वाटर। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर, यानी कि कोई भी सॉलिड को हम किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको कहते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कैसे हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ओके, इन इक्वेशंस को बैलेंस करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम इस मेथड, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से हम इसको बैलेंस करेंगे। ओके, इसको बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेबल बनाएंगे, एलिमेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, ये एलिमेंट्स है, जैसे ये आयरन है, आयरन और वाटर, ये क्या आपके रिएक्टेंट है, ये क्या है प्रोडक्ट्स है, आयरन और वाटर रिएक्टेंट, Fe3O4 और H2 क्या आपके प्रोडक्ट है। अब क्या करेंगे हम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में क्या करेंगे, Fe के एलिमेंट्स को चेक करेंगे, Fe के एटम्स को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो अब इधर लिख लेंगे Fe के कितने हैं हमारे पास रिएक्टेंट में, 1, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 लिख दिए हम लोगों ने। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के,
रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। तो हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में हमारे पास टू एटम है और प्रोडक्ट में भी टू है, तो दोनों साइड हमने टू टू लिख दिया, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो ऑक्सीजन में कितने हैं हमारे पास, रिएक्टेंट में वन और प्रोडक्ट में फोर है, हमने लिख दिया रिएक्टेंट में फोर, ठीक है। अच्छा, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या मतलब है कि हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में नंबर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस करने से पहले इन सारे एलिमेंट्स को ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में क्लोज करने का मतलब ये है कि अब इनमें हम कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं, हमको जो भी चेंज करना है इन एलिमेंट इनके आगे ही चेंज करना है, इनको कुछ भी चेंज में इनमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में एसी कितना है, वन है, प्रोडक्ट में कितना है, थ्री है, तो वन में हम क्या करेंगे, थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो हमने देखा कि रिएक्टेंट में हमने थ्री का मल्टीप्लाई करा, तो हम रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे, या एफी की जगह थ्री का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए इससे। अब प्रोडक्ट में भी थ्री है हमारे पास, ठीक है, आयरन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन में रिएक्टेंट में कितने हैं, टू, प्रोडक्ट में भी टू है, ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है, इसमें अभी फ़िलहाल हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ऑक्सीजन में बात करते हैं तो इसमें वन और फोर, तो इसमें फोर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल कर देंगे फोर फोर, ठीक है। अब फोर फोर हो गया तो क्या करेंगे, रिएक्टेंट में भी हम फोर का मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्शन में, तो इस ब्रैकेट के बाहर हम क्या कर देंगे, फोर का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे हमने यहाँ फोर का मल्टीप्लाई करा है तो हमारे ऑक्सीजन भी क्या हो गए हैं, फोर हो गए हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हो गए, सॉरी हाइड्रोजन डबल हो गए, हम हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, एट हो गए हैं, तो हम हाइड्रोजन में भी क्या करेंगे, फोर का मल्टीप्लाई कर दिया तो एट हो गए, यानी कि रिएक्टेंट में हमारे पास हाइड्रोजन एट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको फोर फोर टू जै एट हो गए ना हमारे यहाँ वाटर में, तो हमने यहाँ पर क्या करा, फोर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्रोडक्ट की बात करते तो प्रोडक्ट में हमारे पास कितने हैं, टू, तो बैलेंस करने के लिए फोर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर टू जा एट, तो प्रोडक्ट में भी कितने हो गए, एट हो गए, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे रिएक्शन है, रिएक्टेंट में क्या हो गया, आयरन थ्री इधर है, थ्री इधर है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, एट इधर है, एट इधर है, और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन फोर, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन फोर, ठीक है। अब ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे, इनके फिजिकल स्टेट के साथ लिखेंगे, है ना, एस फोर सॉलिड, एल फोर लिक्विड, जी फोर गैस, ए क्यू मतलब एक्वस, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब हम लिखते हैं इसकी इस न्यू इक्वेशन, थ्री ए क्यू किसमें, सॉलिड स्टेट में आयरन हमारे पास, फोर एच टू ओ वाटर की स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में इसलिए एल लिख दिया हमने, ठीक है। अब हमारा ए सी थ्री ओ फोर आयरन ऑक्साइड, ये क्या है हमारा, किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में है, प्लस फोर एच टू हाइड्रोजन की स्टेट में होती है हमारी, गैसियस स्टेट में, तो जी लिख दिया हम लोगों ने, ओके, ठीक है। ये क्या है हमारी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसके हम जिसमें हमने इसको क्या करा है, इसके रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड को हमने क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है, ठीक है। और क्या मेंशन कर रखा है हमने, इसकी फिजिकल स्टेट को भी इसके अंदर मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वही होती है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स हो वो दोनों क्या हो, इक्वल हो, ओके, समझ में आया। अब ये क्या थी, हमने एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ले ली थी इसलिए हमको टेबल की ज़रूरत पड़ी, अब एक हम सिंपल रिएक्शन लेते हैं, ओके। देखो मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, क्या ये वाली हमारी इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या, ऑक्सीजन के दो एटम है ना, और मैग्नीशियम उधर हमारे पास दोनों साइड एक एक एटम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है यहाँ आगे क्या लगा देंगे, हम टू लगा देंगे, जिससे हमारे ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। बट जो मैग्नीशियम का आइटम है वो कितने हो गए हमारे पास, टू, जो कि रिएक्टेंट में कितने हैं हमारे पास, ओनली वन ही है, तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम के आगे भी क्या लगा देंगे, टू। अब ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। अब हम इसको फिजिकल स्टेट के साथ लिख देते हैं, तो मैग्नीशियम के स्टेट में है सॉलिड, ऑक्सीजन क्या है हमारा, गैसियस स्टेट में, इसलिए जी, फिर एरो, फिर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है आपका, सॉलिड स्टेट में है, ओके। अच्छा, तो केमिकल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए, तभी आप इसको बैलेंस कर पाएंगे, और बैलेंस प्रैक्टिस करोगे तो टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ पाएगी, ठीक है। तो बुक लेना और बुक में सारी रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है,
ठीक है, तो फर्स्ट इज का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। जो मैटर है वो क्या होती है, ना तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो और ना ही वो किसी केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय। मैटर को क्या किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट में जितने एटम होंगे उतने ही आपको कहाँ पे होने चाहिए एटम, प्रोडक्ट में, उतने ही प्रोडक्ट में एटम आपको मिलने चाहिए। सो क्या रिजल्ट निकलता है? सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब जितने भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके समझ में आया? इसलिए हमको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। ठीक है, याद रखें आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। इसकी वजह से ही हमको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, नेम से ही समझ में आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन करना। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या एक ऐसी रिएक्शन जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट, मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, जैसे कि ए प्लस बी, दोनों क्या हुए, अलग अलग रिएक्टेंट हैं, कुछ भी हो सकते हैं, हमने जस्ट ए बी ले लिया, तो ए और बी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट ए बी, यानी कि दो अलग अलग रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं और एक सिंगल हमको प्रोडक्ट ए बी मिल रहा है। ओके एग्जाम्पल देखते हैं हम, बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल यानी कि कार्बन, कार्बन की रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, ऑक्सीजन से, क्योंकि बर्न कर रहे हैं, तो बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई भी चीज़ बर्न होती है, तो कभी भी आप बर्निंग की बात करें तो आप ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करवाएंगे। ओके तो कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ऑक्सीजन आपका किस स्टेट में होता है, गैसीय स्टेट में होता है, इसलिए हमने जी से शो कर दिया। और एरो के बाद हमने क्या लिखा, CO2, और CO2 क्या है, गैसीय स्टेट में, इसलिए हमने क्या शो करा, इसको जी से शो करा। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मेशन भी एक क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे बनता है वाटर, जब हाइड्रोजन गैस को आप जलाते हैं, है ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, जब वो जलती है तो क्या बनता है, वाटर फॉर्मेशन होता है। तो H2 क्या है आपका, गैसीय स्टेट में, इसलिए जी से शो करा। वाटर सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होती है, गैसीय स्टेट में होती है, तो हमने जी से शो कर दिया। और वाटर आपका लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए हमने L से शो कर दिया। ओके समझ में आया? तो क्या हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है और क्या बनाता है, सिंगल या डबल, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बना सकता है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या समझ में आया आपको, कि इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में वो कंपाउंड क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है। ओके या देखेंगे आप एग्जांपल, ए जो कोई कंपाउंड है हमारा वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है किसमें, बी प्लस सी में, है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड वन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और थर्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ओके फर्स्ट है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आया कि किसी भी एक सिंगल कंपाउंड को डिसोसिएट करना, लेकिन अब वो कंपाउंड डिसोसिएट कैसे होगा, थर्मल, थर्म मीन्स हीट। ओके याद रखें आप थर्मल डिकम्पोजिशन में किसका यूज़ करेंगे, आप
हीट का. तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, क्या व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, जब डिकम्पोजिशन क्या हो रहा हो, हीट की प्रेजेंस में हो रहा हो, तो उस डिकम्पोजिशन को कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमको सॉलिड स्टेट में मिलता है, इसलिए हमने इसका सिंबल, इसकी स्टेट या मेंशन करी है एस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, जो एक का शेल होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो हमारी संगमरमर मार्बल होती है उसका फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यही होता है. चौक वो भी क्या है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी क्या है हमारा CaCO3 होता है. ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है हीट को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद हीट क्या हो जाता है इसका, डिसोसिएशन हो जाता है. तो कैल्शियम कार्बोनेट किस में डिसोसिएट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO. कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है, इसलिए हमने इसका फिजिकल स्टेट या मेंशन करा है, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है. ओके, तो ये थी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. काफ़ी सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. ओके, और सभी क्या होगी, हीट की प्रेजेंस में होगी. सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. नेम से ही क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो. ठीक है, तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब डिकम्पोजिशन कैसे हो, इलेक्ट्रिसिटी को पास करके, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास करेंगे तो उस सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो जाएगा. ओके, तो जो आपका वाटर है, वाटर क्या है आपका, लिक्विड स्टेट में है. वाटर क्या है आपका, लिक्विड स्टेट में है. तो जैसे आपने इसमें क्या करा, इलेक्ट्रिक करंट को पास करा, तो जैसे आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो वाटर है उसमें डिसोसिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों क्या होगी, सेपरेट हो जाएगी. तो ये क्या था आपका, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. समझ में आया. नेक्स्ट है फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. ओके, जो फोटो, फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट. व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में हो, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उसको हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन. सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड किस स्टेट में होता है आपके पास, सॉलिड स्टेट में होता है. तो जब हम सिल्वर क्लोराइड को सन की लाइट में रख देते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस में. ठीक है, ये क्लोरीन Cl2 गैसियस स्टेट में होगा, यहाँ पर गलती से सॉलिड स्टेट में लिखा गया. ठीक है, तो सिल्वर आपका सॉलिड फॉर्म में बनेगा और क्लोरीन आपकी गैसियस स्टेट में बनेगा. ओके, अबो रिएक्शन इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये वाली जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती थी. ठीक है, आप याद रखेंगे. नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन. क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या कर देता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है. अच्छा, अब आपको रिएक्टिविटी कैसे पता चलेगी कोई भी एलिमेंट की, तो एक एक्टिविटी सीरीज़ है, रिएक्टिविटी सीरीज़ है, वो बुक में दे रखी है थर्ड चैप्टर में, तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी, या फिर मैं आपको बाद में उसके बारे में बता दूंगी. ओके, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या कर पाएगा, कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर पाएगा. जैसे कोई हट्टा कट्टा मोटा व्यक्ति है और वो, उसको आगे बैठना है और वहाँ ऑलरेडी कोई दुबला व्यक्ति बैठा हुआ है, तो क्या होगा, वो मोटा जो व्यक्ति हट्टा कट्टा वो क्या करेगा, उस दुबले पतले बच्चे को जाके हटा के बैठ जाएगा. लेकिन अगर उसी की जगह कोई दुबला पतला बच्चा है और वो मोटा बच्चा वहाँ बैठा है और उसको हटा के उसको फर्स्ट बेंच पे बैठना है, तो क्या वो दुबला बच्चा उसको हटा पाएगा, क्या नहीं हटा पाएगा. तो क्या होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस आसानी से कर देता है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है. ओके, अच्छा मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज बताती हूँ. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम. तो जैसे हम इस सीरीज़ में ऊपर से कहाँ जाएंगे, नीचे की साइड जाएंगे, तो एलिमेंट की रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है ना. जैसे कि हाइएस्ट ईस्ट की रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है. ओके, फिर ये क्या है आपका, मोर रिएक्टिव है, ये क्या है आपका, लेस रिएक्टिव है, यानी कि प्लेटिनियम सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव है. ओके, तो जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाएगी. जैसे कि सोडियम है वो क्या करेगा, पोटेशियम को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा.
है ना, समझ में आया? तो ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़, इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, एक निमोनिक से मैं आपको बता देती हूँ, आप याद कर ले सकते हैं। काशी नाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, फिर आप याद रखेंगे कॉपर, फिर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम, हाइड्रोजन के बाद आप याद रखेंगे कॉपर आता है, फिर आपको पता ही है सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम, आपने देखा होगा सिल्वर पे, सिल्वर जल्दी ब्लैक हो जाती है लेकिन गोल्ड नहीं होता, तो सिल्वर ज़्यादा रिएक्टिव है गोल्ड से, तो इसलिए ऊपर आ गया, फिर गोल्ड और फिर प्लेटिनियम। तो याद रखें ये एक रिएक्टिविटी एक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज़ है, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, फिर कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम। ओके समझ में आया? तो क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, है ना। तो आयरन लिया हमने, ये आयरन आपका सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। कॉपर सल्फेट क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब कि वाटर में डिजोल्व सॉल्यूशन है। तो आयरन क्या है? आयरन क्या है? मेटल है, कॉपर भी आपकी मेटल है ना। तो आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा? अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम एक्टिविटी सीरीज देखते हैं। हमारा आयरन कहाँ है? यहाँ पर है। कॉपर कहाँ है? यहाँ पर है। मैंने आपको बताया था ऊपर से नीचे चलेंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, तो कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है। और ये क्या है? आयरन, ये मोर रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और डिस्प्लेस करके क्या बनाता है? ये आयरन सल्फेट। कॉपर की जगह आयरन ले लेगा तो बन गया आपका आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ओके अब देखो आप लोग, ये नीचे डायग्राम में आयरन की जो नेल है, न्यू नेल आपको दिख रही है, किस कलर की? सिल्वर सिल्वर कलर की है, है ना। और जब हमने उसको कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया, तो डिप करने के बाद हमने निकाला, तो किस कलर की हो गई? ब्राउन कलर की, क्योंकि इस पर क्या बन गया? सल्फेट चढ़ जाता है इसके ऊपर, तो ये बना आयरन सल्फेट, ठीक है। समझ में आया आपको? कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन कलर में, ठीक है। तो ये थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। अच्छा, वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट था। पहले जो हमने रिएक्शन पढ़ी थी वो कौन सी थी? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसके अंदर सिर्फ आयरन क्या कर रहा था? कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था, यानी कि एक ही आयन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? दो आयन आपस में क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे, ठीक है। क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। जब कोई भी दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करेंगे तो उस दो कंपाउंड के क्या होंगे? आयन्स क्या हो जाएंगे? दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे कि सोडियम सल्फेट है यहाँ पर Na2SO4, और यहाँ पर है BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ Na इस बेरियम से हो जाएगा डिस्प्लेस, एक आयन तो ये डिस्प्लेस हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ये बेरियम किसकी जगह ले लेगा? इस Na की जगह ले लेगा। Na कहाँ आ जाएगा? बेरियम की जगह। देखो Na2SO4 है यहाँ पे, तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा? BaSO4। समझ में आ रहा है? ये Na की जगह क्या आया? Ba आया, तो क्या बना आपका? बेरियम सल्फेट बना। यहाँ पर क्या है? Na, और यहाँ पर क्या है? Ba। तो इसने भी इसको डिस्प्लेस करा, तो यहाँ NaCl बना, यानी कि इसके दो आयन एक्सचेंज हुए हैं। सल्फेट भी चेंज हो गया इधर, और Na भी आपका क्या हुआ? Na से क्या चेंज हुआ? बेरियम चेंज हुआ, यानी कि यहाँ पर दो आयन एक्सचेंज हुए हैं। इसी काफ़ी सारी रिएक्शन है जिसमें दो अलग अलग सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं और न्यू प्रोडक्ट आपके बनाते हैं। तो आयन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं? दो आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। पिछली रिएक्शन में सिर्फ एक आयरन और कॉपर एक दूसरे से एक्सचेंज हुए थे। समझ में आया? डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? दो आयन एक्सचेंज होंगे और क्या बनाएंगे? आपके प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। प्रेसिपिटेट की बात करते हैं। इट इज़ एन इनसोल्यूबल सॉलिड दैट इमर्जेस फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं? जब अगर आपने कोई रिएक्शन करी किसी भी कंपाउंड की कोई भी केमिकल से रिएक्शन करी, तो और सपोज़ करो आपने दोनों ही क्या करें? लिक्विड स्टेट में लिए। तो लिक्विड स्टेट में लेने के बाद आपने दोनों की रिएक्शन करवा दी, उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब में कुछ सॉलिड कंपाउंड मिलेगा। कुछ कभी कभी सॉलिड कंपाउंड मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट, जो वाटर में डिजोल्व ना हो, ठीक है। इनसोल्यूबल सॉलिड जो किसमें हो? वाटर के अंदर हो, लेकिन वो क्या है? इनसोल्यूबल, जो डिजोल्व नहीं हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। ओके नेक्स्ट है पे हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? अच्छा, सिंपल सी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
टू द सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस. ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन होना और हाइड्रोजन का निकलना, ये होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में. और रिडक्शन क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का. रिडक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है आपका रिडक्शन के अंदर. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. कॉपर है, CU, CU में हम क्या करवा रहे हैं? ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं. तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? इस कॉपर के अंदर ऐड हो रहा है. क्या बना रहा है? CuO, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है. ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या बोलेंगे हम? इस कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्या हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट है CuO, क्यूप्रस ऑक्साइड है ये, या कॉपर ऑक्साइड बोले आप. इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम? हाइड्रोजन से. किससे करवा रहे हैं हम? हाइड्रोजन से. तो ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है आपका? यहाँ से वाटर, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है. इस क्यूप्रस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है. ठीक है, और क्या बना रहा है आपका? वाटर और कॉपर. समझ में आया क्या? तो क्या हो रहा है आपका? क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या हुआ यहाँ पर? रिडक्शन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है. CU में से ऑक्सीजन रिमूव होकर क्या बना? CU बना. तो यहाँ सेकेंड वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है? क्यूप्रस ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, और फर्स्ट वाली रिएक्शन में कॉपर का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ. समझ में आया आपको? नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं? फर्स्ट है कोरोजन. कोरोजन का मतलब होता है खराब होना. ठीक है, डायरेक्ट हम जंग लगना नहीं कह सकते, क्योंकि जंग लगने की बात करेंगे तो उसी आयरन की बात होगी. कोरोजन मतलब किसी भी मेटल का कोरोड होना, खराब होना. व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू द टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एट्सेट्रा फॉर सम टाइम. जब कोई भी मेटल मॉइस्चर से एक्सपोज होती है, मॉइस्चर से रिएक्शन करेगी, एयर से रिएक्शन करेगी, या वाटर या एसिड से रिएक्शन करती है कुछ टाइम के लिए, तो क्या होता है? अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. तो उसके ऊपर क्या होती है? ऑक्साइड की लेयर बन जाती है. विच वीकन्स द मेटल, जो मेटल को क्या बना देती है? वीक बना देती है. हेंस मेटल सेड टू बी कोरोड. और क्या होगा? और मेटल को हम बोलेंगे कि मेटल क्या हो गई? कोरोड. मेटल को ख़राब कर देती है. जैसे कि एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में आपने सुना है. आयरन पे जंग लगना, ये क्या है? कोरोजन ही है, एक तरह की कोरोजन की प्रोसेस है. ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर आपने देखा होगा सिल्वर पे क्या हो जाती है? थोड़े टाइम बाद ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है. वो भी क्या है? वो सिल्वर क्या हो गया? कोरोड हो गया, कोरोजन हो गया सिल्वर का. थर्ड है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर. आपने देखा होगा जब आप कॉपर की रिंग वगैरह भी पहनते हैं और कुछ टाइम बाद आप उसको रिमूव करते हैं तो आपकी फिंगर में क्या हो जाता है? एक ग्रीन कलर का सर्कल बन जाता है ना? तो वो ग्रीन कोटिंग हो जाती है किसके ऊपर? कॉपर पर. ठीक है, वो ग्रीन कोटिंग किसकी होती है? कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर की होती है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी. ऑक्सीडेशन का एक इफेक्ट और क्या है? रेंसिडिटी, जो हमारी डेली लाइफ पे होता है. द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी. क्या होता है कि जब भी कोई ऑयल और फैट से बना हुआ कोई भी फूड है, ठीक है, तो वो क्या होता है? ज़्यादा टाइम तक खुला रख देते हैं हम उसको, है ना, या ज़्यादा टाइम तक रख देते हैं उसको, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है, ये फैट और ऑयल क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है. और फूड में से क्या होती है? स्मेल आने लगती है ना, उसको खाने के बाद फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है. तो उसी को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी. फूड का ख़राब हो जाना किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन की वजह से. उसी प्रोसेस को कहते हैं हम रेंसिडिटी. इट लीड्स टू बी बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड. ये क्या कर देता है? फूड में से गंदी सी स्मेल आती है, टेस्ट भी उसका ख़राब हो जाता है. ओके, तो ये थी रेंसिडिटी. तो रेंसिडिटी फूड को ख़राब करने की प्रोसेस है, और कोरोजन मेटल को ख़राब करने की प्रोसेस है. और ये दोनों किससे होती है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस से होती है. समझ में आया? नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर. अच्छा, हमने अभी जो पढ़ा था वो केमिकल रिएक्शन के क्लासिफिकेशन हमने अलग पढ़ा था. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? टेम्परेचर के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, है ना. तो दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है. एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट का रिमूवल होता है. एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, है ना. तो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट निकलती है. और एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट का एब्जॉर्प्शन होता है. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं. रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है? प्रोडक्ट तो बन रहा है, प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी निकल रही है, इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, है ना, जैसे कि मिथेन है, या LPG भी हम लोग जलाते हैं. हमारी LPG की भी बात कर लेते हैं. ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है हमारा LPG. CH4, ये क्या है? CH4 किस कौन है? CNG है,
है ना, कंप्रेस नेचुरल गैस, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो मीथेन का जब बर्न करेंगे, बर्न करना मतलब मैंने अभी आपको बताया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होता है, तो CH4+O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको बर्न कर रहे हैं तो क्या होता है आपका CO2 और वाटर निकलता है। चाहे आप LPG जलाएं तो LPG को भी बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्मेशन ही होता है, और साथ में आपको हीट मिलती है जिससे आप खाना पका लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जितनी भी कंबशन रिएक्शन है वो सब क्या है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें हीट निकलती है। कुछ भी चीज़ बर्न करें, चाहे कोल बर्न करें तो भी आपकी हीट रिमूव होगी। तो कोई भी कंबशन रिएक्शन वो क्या होगी आपकी, किसके अंदर आएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक रिएक्शन जिसमें हमको रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए एनर्जी चाहिए, अब वो एनर्जी हमको चाहे हीट के फॉर्म में मिले, लाइट के फॉर्म में मिले या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिले, उसको कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि कुल मिला के हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब होगी तभी वो जो भी कंपाउंड है वो डिसोसिएट होगा और नया प्रोडक्ट बनाएगा। यानी कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सारी किसका एग्जाम्पल है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ओके, तो यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है और